आखिरकार 18 महीने बाद वो दिन आ ही गया जब देश की संसद ने एक देश एक टैक्स को मंजूरी दे दी। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब लोगों को एक ही टैक्स देना पड़ेगा। अब लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान ले जाने या खरीदने पर अलग अलग टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जीएसटी बिल बुधवार को राज्यसभा में पास हो गया। 16 साल बाद अब जीएसटी कानून बनेगा। बिल के समर्थन में राज्यसभा में 203 वोट पड़े जबकि विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। जीएसटी बिल पर सरकार को कांग्रेस का पूरा साथ मिला। वहीं वोटिंग से पहले सिर्फ एआईएडीएमके के सांसदों ने वॉकआउट किया। बिल पर तकरीबन 8 घंटे तक मैराथन चर्चा हुई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बिल पेश करते हुए कहा कि ये अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। राज्यसभा in which the GST bill had been held up for a very long time has cleared the bill. I think what is most important is, as the voting itself showed, that the bill has been cleared unanimously. So all members present at the time of voting have voted in favor of the bill. And as the debate progressed, it was clear that amongst political parties there was a very large consensus, except one political party. Everybody else has supported this bill. Everybody has voted in favor of the bill, and almost every state government is on board in order to implement one of the most important taxation reforms in India itself. वहीं राज्यसभा में जीएसटी बिल पर पहली बार पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने खुलकर अपना पक्ष रखा। चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस इस बिल का समर्थन करेगी, लेकिन स्टैंडर्ड रेट 18% से ज्यादा ना किया जाए। जब यूपीए की सरकार थी तब कांग्रेस ने भी कोशिश की थी, लेकिन विपक्ष पार्टियों ने इसका साथ नहीं दिया। हम फेल हो गए। अब सरकार 18 महीने से कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भी फेल रहे। कांग्रेस ने जीएसटी के आइडिया का कभी विरोध नहीं किया। सबसे पहले 2011 में प्रणब मुखर्जी इसको लेकर आए थे, तब बीजेपी ने इसका विरोध किया था। आई ऑन बिहाफ ऑफ माई पार्टी लाउडली एंड क्लियरली डिमांड दैट द स्टैंडर्ड रेट ऑफ जीएसटी व्हिच अप्लाइज टू मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ओवर 70% ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज शुड नॉट एक्सीड 18% एंड द लोअर रेट एंड द डीमेरिट रेट कैन बी वर्क ऑन दैट 18%। वहीं जीएसटी बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सभी पार्टियों के नेताओं को थैंक्स कहा है। 16 साल पहले वाजपेयी सरकार ने जिस गुड्स एंड सर्विस टैक्स की नींव रखी थी उसके संसद में पास होने के इंतजार में 9 साल से ज्यादा हो गया। 20 तरह के इनडायरेक्ट टैक्स खत्म कर एक देश एक टैक्स के थीम पर जीएसटी बिल सरकार ने 9 बदलावों के साथ पास किया है। जीएसटी से मेक इन इंडिया को फायदा होगा, इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जीएसटी लागू होने पर पूरे देश में एक टैक्स नियम लागू हो जाएगा। फिलहाल लोगों को 30-35% टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन जीएसटी लागू होने से लोगों को लगभग इसका आधा यानी 17-18% टैक्स देना होगा। जीएसटी लागू होने से एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, सेल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स खत्म हो जाएगा। जीएसटी विधेयक पिछले साल लोकसभा में पास हो चुका है। अब राज्यसभा से पास होने के बाद ये एक बार फिर से लोकसभा में जाएगा, क्योंकि सरकार ने विधेयक में काफी बदलाव किए हैं। इसके बाद कम से कम 15 राज्यों की विधानसभाओं से इसकी मंजूरी जरूरी होगी। यह मंजूरी मिलने के बाद बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा। हालांकि इसके बाद केंद्र सरकार को केंद्र और राज्यों के बीच जीएसटी के नए कानून बनाने होंगे, जो इसे लागू करने के लिए काफी अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, A2Z न्यूज़।